फाइनली दोस्तों, काफी देर मेहनत करने के बाद अभी हमने अपना ये रोबोटिक आर्म बना के रेडी कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसके जो धागे हैं हमने अपने हाथों में उंगलियों में कुछ इस तरीके से बांध रखे हैं। सारी उंगलियां अलग अलग बंधी हुई हैं, बाकी जो अंगूठा और ये आगे वाली उंगली है ये सिर्फ हमने एक ही उंगली के साथ कनेक्ट कर रखी है और बाकी सब अलग अलग है। तो इसको जैसे जैसे मैं अपनी उंगलियों को मूव करूंगा यहाँ पे, वैसे वैसे ही मूव होगा, जैसा कि मैं आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और अभी हम आपको इसका टेस्ट भी करके दिखाएंगे, कुछ चीज़ों को उठाएंगे और अपने फ़ोन को भी उसको इसमें फंसा कर या फिर जैसे भी हो सकेगा उठाने का टेस्ट करेंगे, क्या ये हमारे फ़ोन को उठा पाता है या फिर नहीं। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ फिर मैं आपको। दोस्तों, बॉटल और ग्लास को तो हमारे रोबोटिक आर्म ने काफी आसानी के साथ उठा लिया। तो चलिए अपने फोन को इसके रोबोटिक आर्म से पकड़ने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या इसको उठा पाता और पकड़ पाता है या फिर नहीं। तो यार डर लग रहा है क्योंकि काफी ऊंचाई पर गिर गया तो टूट जाएगा ये। तो यार पकड़ तो लिया है इसने, लेकिन होल्ड ज्यादा पता नहीं कर पाएगा कि नहीं ज्यादा देर तक। भाई होल्ड भी अच्छे से कर लिया लगभग इसने, जैसा कि आप देख सकते हो मैं इसको काफी हिला रहा हूँ, बट ये गिर नहीं रहा है। और बाकी यार यहाँ से टूट गया नीचे से, ये देखिए। तो वीडियो को लाइक जोर से आप लोग कर दीजिएगा यार, इस चीज़ के लिए मस्त चीज़ बनी है। तो अगर आपको हमारे सिंपल से रोबोटिक आर्म पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल की एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में क्या ट्राई किया जाए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।